Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know, that we are on unit number six, and today uh, I am going to teach you about entrepreneurs, and this is lecture number four. So, my dear students, till this previous lecture, ko recap recap some oral questions. I the video and answer karna hai. What are consumers? What are producers? Very good. And what is inflation what is purchasing power very good okay my dear students so let's quickly move forward towards the activity so my dear students में mein जो jo तमाम बच्चों को ko a4 sheets देंगी और उसके बाद बच्चों से पूछ कहेंगी कि को अगर इजाजत दी जाए कि आप जो है कोई एक बिजनेस कर सकते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो वो कौन सा बिजनेस होगा ठीक है तो बच्चों ने उस बारे में सोचना है किसी को आपने बताना नहीं है ठीक है अपने दिमाग में ये बात रखनी है इट्स अ सीक्रेट और फिर आपने सीक्रेटली जो ए फोर शीट आपको दी गई है उस पर आपने उस बिजनेस की जो भी आप स्टार्ट करेंगे उसकी ड्रॉइंग बनानी है क्विकली पॉज द वीडियो एंड मेक द ड्राइंग आई होप एवरीबडी हैज मेड द ड्रॉइंग कि आप बड़े होकर या आपको अगर कोई बिजनेस करने का मौका दिया जाए तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे टू अर्न प्रॉफिट पैसे कमाने के लिए आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं आपने वो ड्राइंग बना ली है आपने अपने दोस्तों को नहीं दिखानी और उसको उल्टा करके अपने टेबल पे रखते हैं अभी मैं उसके बारे में आपसे बाद में डिस्कस करती हूँ लेकिन उससे पहले जल्दी से हम देख लेते हैं कि आज हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं सो इन टूडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन्ट्रेन्योर्स अब ये ऑन्टरप्रन्योर क्या चीज़ है इसी के बारे में मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ ये बिजनेस और ट्रेडिंग से ही रिलेटेड है लेकिन इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सो इसके बारे में हम जरा अभी डिटेल uh, से डिस्कस करते हैं लेकिन मेरे माई डियर स्टूडेंट्स जो आपने ड्रॉइंग बनाई थी अब चले उसके बारे में बात करते हैं सो क्विकली टेल मी डेट वॉट डू यू वॉट डू यू वॉन्ट टू बी इन फ्यूचर आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं जो पेपर में लिखा है उससे नहीं वैसे बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं ओके वेरी गुड ओके इफ यू आर अलाउड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस व्हाट विल यू डू अब आप तमाम बच्चे जो हैं वन बाय वन टीचर से डिस्कस करें या आप बताएं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और अपनी ड्राइंग टीचर को भी दिखाएं और पूरी क्लास को आपने ऐसे करके दिखानी है और फिर देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा जो है उसका बिजनेस जो है वो आ, कैची आइडिया है कि ये आइडिया सबसे अच्छा है तो क्विकली शो वेट वेरी गुड इससे आपके ड्रॉइंग स्किल्स का भी पता चल रहा है कि किसने बहुत अच्छी ड्रॉइंग की है चले आप चले लेक्चर की तरफ चलते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स हु इज एन ऑंटरप्रेन्योर ये आपकी बुक में ही टीचर्स नोट है टीचर्स प्लीज फोकस ऑन इट आप बच्चों को सबसे पहले जो है ऑनटरप्रेन्योर के बारे में बताएं यहां दो डेफिनेशन मैंने लिखी हैं बच्चों को गैस करना है कि करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है ऑनटरप्रेन्योर की सो so, पहली डेफिनेशन है इसके बारे में पढ़ते हैं एन इंडिविजुअल हु हैज ओनरशिप और शेयर होल्डिंग ओवर अ प्राइवेट सेक्टर and understand activities commercial and industrial for the purpose of generating cash flow sales and revenue by using combination of humans yani ki koi bhi ek aisa shakhs jo ki kisi company ka malik hai ya uske paas uski unke sath partnership hai और वो वहाँ पर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है मतलब गुड्स जो है वो वहाँ पर बनाए जाते हैं so, एक तो ये डेफिनेशन हो गई या एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस बेयरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉयिंग मोस्ट ऑफ द रिड्स सो माई डियर स्टूडेंट्स या कोई ऐसा शख्स जो कि अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करता है और उसको बहुत सारे रिस्क का सामना करना पड़ता है और जो भी अगर उसकी कोई अर्निंग होती है या उसको uh, कोई प्रॉफिट होता है तो वो उसको भी होल एंड सोल खुद एंजॉय करता है तो इन दोनों डेफिनेशंस देफ, में से ऑनटरप्र्योर की डेफिनेशन आपको कौन सी लगती है डेफिनेशन ग्रीन वन uh, sorry the yellow one or the green one this is the correct definition of entrepreneur yani ke entrepreneur ek aisa koi ek shakhs jo ke apna khud se business generate kare aur uska ek apna idea ho और फिर वो उसके ऊपर काम करना शुरू करे और उसके बाद उसको maximum क्योंकि वो whole and soul खुद काम कर रहा है उसने सारे काम अपने खुद करने हैं उसने उसको एडवर्टीजमेंट भी खुद करनी है उसने अगर उसमें कोई रिस्क फैक्टर है या कोई उसको कोई नुकसान होता है तो वो भी उसने खुद फेस करना है सो so, ऐसा सच पर्सन इज़ नोन एज एन ऑंटरप्रेन्योर इनके यूनिक और आइडियाज़ होते हैं ऑन्टरप्रेन्योर्स के ये प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज़ होते हैं यानी कि पुराने आइडियाज के अंदर इनोवेशन भी ला सकते हैं या ये कोई ऐसी चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि पहले से मार्केट में उसका बिजनेस ना हो so such people are known as entrepreneurs so my dear students quickly uh, open page number 117 and we will study in detail about entrepreneurs very good so this word is it is not entrepreneur it is entrepreneur so it is pronounced as entrepreneur a person who starts, runs, and grows his own business taking financial risks in the hope of profit is an entrepreneur. It is not a company. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंपनी आई एम टॉकिंग कोई भी ऐसा शख्स जो कि स्क्रैच से काम शुरू करता है उसके पास कुछ भी बना हुआ नहीं होता जद्दी पुष्ती कोई वो बिजनेस नहीं संभाल रहा होता वो कोई भी एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी उसका एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया होता है या तो वो पहले से मार्केट में मौजूद ही नहीं होता या वो कोई भी पुराने प्री एग्जिस्टिंग आइडिया को उठा कर, उसके अंदर जिद्दत लेकर आता है और फिर उसके बाद जो है उसको मार्केट uh, में फ्लो करवाता है और फिर वो इस तरीके से अपना बिजनेस जो है वो इनिशिएट करता है इसमें उसको मैक्सिमम रिस्क का सामना भी हो सकता है क्योंकि एक बिल्कुल होल एंड सोल नया आइडिया एक शख्स अचानक से मार्केट में आके उसने काम शुरू किया है तो इसमें उसका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है उसको नुकसान भी हो सकता है और वो नुकसान भी उसने खुद भुगतना है और जो उसको प्रॉफिट होगा वो भी होल एंड सोल उसका अपना होगा सो माई डियर स्टूडेंट्स हु इज एन ऑनटरप्रन्योर ही हैज एन आइडिया प्लान एंड देन ही जस्ट

Uh, ये एक बिल्कुल नया आइडिया था मार्केट में और उसने उसके ऊपर दिन रात uh, जो है वो काम uh, काम किया और uh, उसके बाद जो है ये uh, काफ़ी जो है वो फ्लरिश um, किया एंड नाउ एवरीबडी हैज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन देयर सिस्टम्स देन कम्स द हसलर्स दे आर स्ट्रगलर्स एंड हार्ड वर्कर्स हु बिलीव इन स्टार्टिंग विद स्मॉल बिजनेस एंड बिकमिंग बिगर विद टाइम उसके बाद हसलर्स होते हैं ये इस तरह के ऑन्टरप्रन्योर्स होते हैं जो कि किसी भी एक छोटे से बिजनेस के साथ स्टार्ट करते हैं और उनका uh, जहन इस टाइप का होता है कि विद टाइम दे विल ग्रो दे आर स्ट्रगलर्स बेसिकली देन कम्स द इमिटेटर ना हुआ होता है नकल करना इमिटेशन का मतलब होता है किसी की नकल करना सो इमिटेटर एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं दे कॉपी स्पेसिफिक बिजनेस आइडियाज

ये उनसे बेहतर जो है अपने आप को दिखा सके देन कम द रिसर्चर ऑनटरप्रीन्योर्स दे टेक देयर टाइम टू एनालाइज प्रोफाउंडली एंड कलेक्ट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग दे मेक अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस सो माई डियर स्टूडेंट्स रिसर्चर्स ऐसे ऑन्टरप्रेन्योर्स uh, है ये कि ये पहले जो है बहुत ज़्यादा जो भी इनका आइडिया होता है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं उनके प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं कि मुझे ये नुकसान हो सकता है ये फ़ायदा होगा नुकसान ज़्यादा होगा या फायदा ज़्यादा होगा और उसके बाद ये जो है काफ़ी रिसर्च के बाद अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं देन कम्स द बायर्स अब बायर्स किस तरह के ऑन्टरप्रनियोर्स होते हैं दे हैव मनी इन हैंड एंड बाय रनिंग बिजनेस द विजन टू आइडेंटिफाई द ग्रोइंग इंडस्ट्री एग्जाम्पल फेसबुक ओनर मार्क जूकबर्ग बॉट व्हाट्सऐप एंड इंस्टाग्राम सो माई डियर स्टूडेंट्स अब जो बायर्स होते हैं ये इस तरह के होते हैं कि जो पुरानी बिजनेस होते हैं कुछ मार्केट में ये उनको ख़रीद लेते हैं इनके पास पैसे होते हैं और फिर ये उनके अंदर मुख्तलिफ इनोवेशन जो हैं लेकर आते हैं इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि जो फेसबुक का ऑनर है मार्क जुकरबर्ग इसने व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम को जो है वो ख़रीद लिया है सो माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी नाउ जेफ बेजोस ही इज़ द स्टार्टर ऑफ अमेजोन ठीक है और ही इज एन ऑंटरप्रन्योर मैं आपको मुख्तलिफ ऑन्टन्योअर्स दिखा रही हूँ नाउ दिस इज बिल गेट्स और बिल गेट्स जो है कौन नहीं इनको जानता इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन जो है वो लॉन्च की थी और इनका कहना यह है कि बी योर ओन बॉस एंड स्टार्ट अर्ली यानी कि अपने बॉस आप खुद बने यानी कि आपको कोई और बॉस करे आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें और जल्दी स्टार्ट करें देन कम्स मार्क्स जुकरबर्ग ही इज द टाइप ऑफ बायर ऑनटरप्रोर और इन्होंने फेसबुक स्टार्ट की थी एंड ही बॉट व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम कम्स इन मास्क इनको कौन नहीं जानता ही इज ऑल्सो एन ऑनटरप्र्योर और ही इज द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स एंड को फाउंडर ऑफ टेस्ला टेस्ला एक बहुत नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है गाड़ियों में के अंदर ये आ रही है एंड ही इज अ को फाउंडर ऑफ दैट और इनका कहना है टेक रिस्क तो ऑनटरप्रन्योरशिप के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो रिस्क होता है हाई होता है रिस्क फैक्टर तो ये कहते हैं कि रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते और इसके बाद दिस इज सीमा अजीज एंड शी इज द फाउंडर ऑफ सी फ़ार्म यानी कि ब्रीजे केसरिया Uh, Mini Miners. These are the bigger big brands of Pakistan, and she's the founder of these brands. Farm Ki founder her She is also an entrepreneur, very successful entrepreneur of Pakistan. And this is Imtiaz Abbasi. He is the founder of Imtiaz Supermarket. He is also a um, entrepreneur, and Imtiaz Supermarket, in kikai branches throughout Pakistan He is he's also a very successful entrepreneur in Pakistan so my dear students now is the time for practice for which you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print from bio teacher apne naam likhna hai class likhni hai and then who is an entrepreneur apne define karna hai name different types of entrepreneurs वच टाइप ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर विल फेस मैक्मम रिस्क इन योर ओपिनियन एंड वाई सो माई डियर स्टूडेंट्स अब ये एक वैसे एक जर्नल नॉलेज का क्वेश्चन है जस्ट फॉर योर क्रिटिकल थिंकिंग कि आपने पाँच मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी हैं ऑन्टरप्रेन्योर्स की आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑन्टरप्रेन्योर जो है उसको मैक्सीम रिस्क का सामना पड़ करना पड़ेगा मेरा अपना ख्याल ये है कि जो इन इनोवेटर ऑन्टरप्रन्योर्स हैं उनको मैक्मम रिस्क का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनका एक एंटायरली नया आइडिया होता है एंड यू नेवर नो के पीपल विल एक्सेप्ट और नॉट सो so, मेरा अपना ख्याल ये है आपको कौन सा ऑन्टरप्रन्योर uh, में रिस्क फैक्टर हाई लगता है यू हैव टू डिस्कस दैट देन नेम सम फेमस ऑन्टरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो टेल रीजन फॉर देयर फेम सो मैंने आपसे काफी सारे ऑन्टरप्रन्योर्स शेयर किए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड पाकिस्तान के ऑन्टरप्रेन्योर्स है, भी हैं आपने उनके नेम्स लिखने और बताना है कि ये फेमस किस लिए हैं यू कैन री वॉच द वीडियो टू आंसर दिस क्वेश्चन सो माई डियर स्टूडेंट्स फॉर अवेल्यूएशन क्विकली टेल मी हु इज एन हुटरप्रन्योर he they start their own business and they start from scratch it is a single person without any company and they uh, enjoy the risks and the rewards all by themselves so name different types of entrepreneurs innovators imitators hustlers researchers buyers these all are different types of entrepreneurs

सो माय डियर स्टूडेंट्स आप बताएं कि अगर आप ऑनटरप्रेन्योर हो या आपके पास कोई आइडिया है तो वो किस टाइप का आइडिया होगा जिसको आप बिजनेस जो है जिस तरह का करना चाहते हैं सो so, आपने वो लिखना है उसके बारे में एंड माई डियर स्टूडेंट्स यू विल डू क्वेश्चन नंबर टू गिवन ऑन पेज पेज नंबर वन हंड्रेड फ्रॉम एक्सरसाइज सी हु इज एन ऑनटरप्रन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनटरप्रीन्योर्स Okay, my dear students. The wrap up of the lesson is a person who takes the financial risk to start, run, and grow a business is called an entrepreneur. My dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah hafiz.